सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। पचहत्तर साल से ऊपर उम्र वाले स्त्री या पुरुष सबके लिए विनामूल्य मुफ्त में सेवा दी है। ये जो व्हाइट बस है ना, वो व्हाइट बस है ना, उसकी मांगनी की थी जोशी साहब के पास से, लेकिन उन्होंने ठीक है लाल बस दी है, क्योंकि मुमरा वाले भी व्हाइट होना चाहते। वो जो बात बोलेंगे वो शिंदे साहब को करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि भारत गेट से और सील फाटा कल्याण फाटा से परिवहन के सदस्य जो है शमीम खान, इन्होंने अब तक कई बस जो है ओपनिंग की जो यहां से ठाणे के लिए और भिमंडी के लिए जाती है, लेकिन आज एक बस की ओपनिंग की गई है जो 75 नंबर बस है। ये दरअसल एयर कंडीशन बस है, यानी एसी वाली बस है, और ये बताया जा रहा है कि मीरा रोड के लिए इस बस की आज ओपनिंग की गई है। जो राजन कीने हैं उनकी मांगनी पर ये ओपनिंग की गई इस बस की, और सभापति परिवहन समिति के जो विलास जोशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बस की ओपनिंग की जा रही है। जो विलास जोशी साहब है उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जोशी साहब, आज बस की जो है ओपनिंग आप लोग कर रहे हैं, 75 नंबर बस है, फुल एसी बताई जा रही है बस है, यहाँ से मीरा रोड तक चलाई जाएगी ये बस, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस बस के बारे में, कितना इसका किराया है? 60 रुपये। हाँ, किराया 60 रुपया है, और आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने अबो 75 जो है 75 साल से ऊपर उम्र वाले स्त्री या पुरुष सबके लिए विनामूल्य मुफ्त में सेवा दी है, पूरी मुफ्त सेवा है, और 65 से जो है आगे 75 तक उनके लिए आधा टिकट है, उनको भी ये एसी बस होने। और खुशी होगी आपको जान के पत्रकारों के लिए एसी बस नॉन एसी बस विनामूल्य है। आप आपके जो अध्यक्ष है उनके साथ मान्यता जो प्राप्त यूनियन है आपकी, पत्रकार थाना में हम लोग ने किया है, आप कांबड़े जी है आपके अध्यक्ष, उनको मिल लीजिए, उनसे खत लीजिए, हम आपको पत्रकारों को एक जो तुम्हारा चैनल है उनको एक को विनामूल्य दे देते हैं। ऑडियो चलाने वाले क्या बोलते हैं उनको, ये जो प्रिंट मीडिया और ये आपका जो सोशल चलाने वाले, हाँ उनको ऑडियो विजुअल जो है उनको भी एक, ऐसे करके हम लोग विनामूल्य देते हैं परिवहन की तरफ। ये बस जो है सुबह से और शाम तक कितनी कितनी जो है रन आप जो है ना, वो मैं एग्जैक्टली डिस्कस करके इनको बता दूंगा। यहाँ बोर्ड लगा जाएगा कितने बजे पहली फेरी है और लास्ट की फेरी जो है वो रात की लास्ट फेरी, वो भी कितने बजे वो तय करेंगे हम लोग। और ज़्यादा यहाँ नागरिकों का प्रतिसाद मिल गया तो हम लोग ज़्यादा बसेस भी चलाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। राजन दादा, इस बस की मांग जो है कई लोग कर चुके थे, जैसे शमीम भाई भी कर चुके थे, बालाजी काकड़े साहब भी इस मांग की कर चुके थे, आप भी मांग किए, आपकी मांग पर ये बस शुरू की गई है। अभी हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब और इस हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन से ये जो 75 नंबर का रूट है इसके ऊपर मीरा रोड, मुमरा से लेके मीरा रोड तक ये जो बस के लिए बहुत सारे नागरिकों ने मेरे से इस बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ से बस चलाई जाए। ये पहले शंकर मंदिर से लेके मीरा रोड तक बस पहले जाती थी, लेकिन बस की कमियों की वजह से उस वक्त का बीच का जो दौर था उसमें परिवहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से वो बस का रूट तो जो था 75 नंबर का वो बंद कर दिया गया था, और उसकी वजह से हमारे जो नागरिक हैं उनको सुविधा हो रही थी, मीरा रोड जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए। तो बीच में मैंने मांग की थी
और जोशी साहब से हमारे जो परिवहन के सभापति है उनसे मांग की थी कि और हमारे जो यहाँ के परिवहन सदस्य बालाजी काकड़े, हमारे परिवहन सदस्य शमीम भाई इन्होंने भी मांगनी किया था इस रूट के लिए कि ये रूट के ऊपर बस चलाई जाए, लेकिन मैंने ये बस की मांगनी की थी, जो व्हाइट बस है ना उसकी मांगनी की थी जोशी साहब के पास से, लेकिन उन्होंने ठीक है लाल बस दी है, कोई बात नहीं, मैं आज के दिन लाल है, लेकिन हो लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि ये व्हाइट बस जो स्टेशन से जाने के लिए उसको दिक्कत है, 12 मीटर वाली जो बस है, लेकिन उसको उनके लिए हमने कहा कि वो बस को हम लोग सईद अली भाई साहब के यहाँ पर एक स्टॉप देंगे और पेट्रोल पंप पे जो दत्तवाड़ी के पेट्रोल पंप है वहाँ पर एक स्टॉप पहले और ब्रिज के हाँ वहाँ पर एक स्टॉप देंगे, ताकि वो हमको मुमरा वालों को भी व्हाइट बस चाहिए, क्योंकि मुमरा वाले भी व्हाइट होना चाहते हैं। तो ये जो बस दी है उसके लिए मैं परिवहन समिति के जो व्यवस्थापक है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके हमारे जोशी साहब है जो परिवहन के सभापति है उनका, और पूरी उनकी जो टीम है उनके जो सदस्य है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुमरा वालों की इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बस चलाई थी। और ये बहुत सारे जो रूट हैं जो मुमरा के पहले शंकर मंदिर से लेके कहीं कहीं जाते थे, तो वो चालू करने के लिए भी हम लोग मांग करेंगे। और मुमरा की जो अभी परिवहन की, मैं समझता हूँ कि जोशी साहब आने के बाद परिवहन की व्यवस्था जो एक परिस्थिति है बहुत अच्छी परिस्थिति हुई है, और उसमें क्या हो गया कि उनके जो चहेते उनके बोले तो एकनाथ शिंदे साहब जो कि हमारे मुख्यमंत्री है उनकी वजह से तो उनकी निकल पड़ी है हमारे जोशी साहब की, वो जो बात बोलेंगे वो शिंदे साहब को करना है। मैं समझता हूँ परिवहन के बारे में उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, और वो परिवहन की जो खस्ता हाल थे उनको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, ये उम्र में भी वो इतना काम करते, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जैसा मैं कहा था कि राजेंद्र किरे दिघे साहब के टाइम से वो काम करते थे, समाज सेवा करते थे, तो मैं समझता हूँ कि ये दिघे साहब जब थे तो दिघे साहब के साथ में भी ऐसा कंधे से कंधा लगा के काम करते ये जोशी साहब थे, लेकिन अभी जाके उनको उस वक्त भी दिघे साहब बहुत उनको जिम्मेदारियाँ देते थे, लेकिन ऐसा जब कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको राजकीय क्षेत्र में उनको ऐसा कोई पद ये नहीं हुआ था, लेकिन शिंदे साहब आने के बाद उनको एक अच्छा परिवहन का समिति सभापति मिले, और उनका नसीब इतना है हम लोग नगर सेवक होने के बावजूद भी नगर सेवक नहीं है, लेकिन वो नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी हमारे परिवहन के सभापति है। उनको मैं यही कहूँगा कि हमारे मुमरा के जो लोग है, मैं समझता हूँ कि मुमरा के नहीं पूरे थाना महानगर पालिका के जो परिवहन सेवा है वो हमारे थाना महानगर पालिका को पालिका के जो हमारे प्रवासी है उनको अच्छी सुविधा दे, और वो देते हैं उसके कोई दो राय नहीं, और इस परिवहन की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो ये मैं आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। तो आपने सुना कि 75 नंबर बस जो है वो भारत गेट से मीरा रोड के लिए जो है आज ओपनिंग की जा रही है, भारत गेट से मीरा रोड के लिए चलाई जाएगी जो फुल एसी बस है, और इसका बताया जा रहा है कि 60 रुपया जो है किराया रखा गया है।